नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया खबर लाइव में। मैं हूं अनूप पांडे। प्रशासन अतिक्रमण के खिलाफ हुआ सख्त। बड़ी दिवाली के एक दिन पहले प्रशासन की बड़ी कार्यवाही। एनएच अधिकारियों और प्रशासन की संयुक्त कार्यवाही। जी हां, ग्यारसपुर नेशनल हाईवे बाईपास पर प्रशासन ने दिवाली के एक दिन पूर्व अतिक्रमण के खिलाफ मुहिम छेड़ दी। नेशनल हाईवे बाईपास पर लोगों के द्वारा कच्चे एवं पक्के अतिक्रमण की सूचना प्रशासन को लगातार मिल रही थी, जिस पर प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए नेशनल हाईवे व कार्यपालन यंत्री श्री व्यास के साथ एसडीएम ब्रजेंद्र रावत, तहसीलदार सुनील शर्मा, पटवारी और पुलिस की टीम को साथ लेकर हाईवे के अतिक्रमण को तोड़ा गया और जो पक्के अतिक्रमण हैं उन्हें 2 दिन की हिदायत दी गई। एसडीएम ने कहा है कि अगर 2 दिन के अंदर पक्के अतिक्रमण नहीं हटाए गए तो प्रशासन जेसीबी से अतिक्रमण को तोड़ देगा। एसडीएम ने बताया कि जमीन मालिकों द्वारा शासन से मुआवजा लेने के पश्चात भी अतिक्रमण को नहीं हटाया गया था। इसकी शिकायत प्रशासन को लगातार ग्रामीण जनों द्वारा दी जा रही थी, जिस कारण यह कार्रवाई की गई। मध्य प्रदेश ग्यारसपुर से शुभम मिश्रा की एक रिपोर्ट। अतिक्रमण को लेकर प्रशासन हुआ सख्त। ग्यारसपुर नेशनल हाईवे जो कि विगत 1-2 वर्ष पूर्व ही ग्यारसपुर में 1-2 किलोमीटर के बाईपास का निर्माण हुआ था, इस बाईपास में जितने भी अतिक्रमण थे लोगों के द्वारा जैसे NH-86 में मुआवजा राशि ले ली गई थी अतिक्रमण की, उसके बाद भी अतिक्रमण नहीं तोड़े जा रहे थे। इसको लेकर लगातार ग्यारसपुर से शिकायतें प्रशासन के पास पहुँच रही थी कि अतिक्रमण लोगों के द्वारा नहीं हटाया जा रहा। इस पर आज प्रशासन सख्त हुआ और दिवाली के एक दिन पूर्व SDM तहसीलदार NH-86 के अधिकारियों ने मौके मुआयना कर जो कच्चे अतिक्रमण थे उनको तोड़ दिया। साथ ही जो पक्के अतिक्रमण है उनको हिदायत दी गई है कि आप दिवाली के बाद अपने अतिक्रमण को हटा लें, अन्यथा प्रशासन अपनी कार्रवाई करेगा और JCB के माध्यम से सभी अतिक्रमणों को तोड़ दिया जाएगा। सागर भोपाल NH पर कुछ लोगों ने जो भूभाजन वाली जमीन थी मध्य प्रदेश शासन की घोषित भी हो गई है, NH डिपार्टमेंट को दे दी गई है, उस पर कुछ लोगों ने जो समीपवर्ती लोग हैं उन्होंने जाके रोड के करीब करीब अपनी तार फेंसिंग खड़ी कर दी थी। कुछ लोगों ने अनाधिकृत रूप से गुमटियाँ रख दी थी जिससे NH पर बाधा हो रही थी। जहाँ एक और एक्सीडेंट की बाधा हो रही थी वहाँ शासकीय भूमि पर अतिक्रमण को बढ़ावा दे रहे थे। मीडिया और यहाँ के कई लोगों ने और आम लोगों ने और जनप्रतिनिधियों ने इस पर अपेक्षाएँ हम लोगों से की कि साहब अतिक्रमण करने से निश्चित ही यहाँ पर एक्सीडेंट की संभावनाएँ बढ़ गई हैं। लोगों की मानसिकता चूँकि अतिक्रमण की है उसको अतिक्रमण को हटाया जाए, इनको बार बार सूचना दी, इनको बुला के सबको समझाइश दी गई किंतु नहीं माने। इसलिए आज प्रशासन ने इनको सबके सहमति के आधार पर NH के अधिकारी भी आज व्यास जी सागर से NH के वरिष्ठ अधिकारी जो MDP इंजीनियर वो भी थे मौके पर, हमारे तहसीलदार साहब, हमारा पूरा राजस्व का मिला और सभी जो थे कोटवार पटवारी सभी के सहयोग से वहाँ मौके से अतिक्रमण हटा दिया। कितनी का मीटर जमीन उन्होंने बैंड ली थी जो अतिक्रमणकारी हुए? ये NH के पैरामीटर हैं और भूभाजन जो हमने किया है शासकीय भूमि का भूभाजन किया है और उनको चिन्हांकित पहले से NH ने चिन्हांकित कर दिया, उसी सीमा को हम लोगों ने तोड़ा है। इनको हटाएगा, उनको कोई आर्थिक दंड या कुछ कार्रवाई जुर्मानी होगी? स्थिति उनको द्वारा जो कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी, हम लोग तहसीलदार साहब के यहाँ न्यायालय में पकड़े हैं, उस पर कार्रवाई होगी। सर, साथ ही जो पक्के अतिक्रमण थे NH-86 पे उनको भी तोड़ा जाएगा क्या? बिल्कुल निश्चित ही अतिक्रमण जो पक्के अतिक्रमण है भूभाजन दे चुके हैं, चूँकि कल दिवाली है, कल का हम एक दिन का अवसर दिवाली होने के नाते दे रहे हैं उनको और दीपावली के बाद उनके मकान हटा दिए।